Welcome my lovely, lovely students. With this session, we are starting the topic of profit and loss. And if you have not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel methodological and can also message me directly on Telegram at ADI T Y A K A T. My name is Adhut Kumar Dvari. Let us start the session. So, first of all, one or two terminologies in the chapter of profit and loss the most basic things are cost price and selling price Again profit or loss ko define karna hai, so we need to know what is cost price what is selling price so for example there is an article there is an article and article was purchased by a seller by a shopkeeper for let us say rupees 100 this is purchase value rupees 100 and in some cases it might so happen apart from purchases there are some other expenses Think other expenses for example transportation could be expense so let us say that is rupees 20 so cost price in this case will be including both of these purchase value as well as other expenses इन जनरल कॉस्ट प्राइस इज द परचेज वैल्यू बिकॉज बाकी एक्सपेंसिस का कंसिडरेशन नहीं होगा बट किसी किसी क्वेश्चन में बाकी अदर एक्सपेंसेजो बी गिवन इन दैट केस अवर कॉस्ट प्राइस विल भी टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू वॉट एवर कॉस्ट है आर्टिकल ठीक है सो दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस द कॉस्ट इंक्लूड सेकेंड थिंग इज सेलिंग प्राइस ऑन वॉट Amount the shopkeeper sold that particular article that is selling price. And in short, in the rest of the session, we'll be using cost price as CP, in short, CP, cost price, and selling price as SP. Okay. So whenever, whenever you are selling something for हाइर अमाउंट एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस यानी कि तीन केसेस तुम्हारे बनेंगे या तो ऐसा होगा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से या दोनों इक्वल होंगे या फिर सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा ठीक है सो तो तीनों केसेस को समझते हैं फर्स्ट योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस जितने परचेज किया उससे ज्यादा में सेल किया है इन दैट केस दे प्रॉफिट प्रॉफिट होगा एंड प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस स लॉस so हो जाएगा क्योंकि तो जितने परचेज किया उससे कम में बेच पाए हो यानी डेफिनेटली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ ना कुछ लॉस हुआ है दैट लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बिकॉज इस बार कॉस्ट प्राइस हमारा हाइयर है ओके okay. और थर्ड सिनारियो इज वेन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस बोथ आर इक्वल तो बोथ आर इक्वल तब ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा एनपीएनएल नो प्रॉफिट नो प्रस दीज आर थ्री सिनारियोस एंड जस्ट इनकेस तुम एसपी माइनस सीपी ही निकालो और हमें सेलिंग प्राइस जबकि लेस देन कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस इज रूपीज सम आर्टिकल एंड कॉस्ट प्राइस रुपीज वन ट्वेंटी सब ट्रैक करोगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा माइनस फोर्टी निगेटिव वैल्यू आया है तो निकाला है एसपी माइनस सीपी विच जनरली आने का मतलब क्या हुआ अगर प्रॉफिट हमारा निगेटिव आ रहा है दैट एम्प्लाइज की लॉस हो रहा है ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एसपी माइनस सीपी करोगे और निगेटिव वैल्यू आता है सो दट निगेटिव वैल्यू एम्प्लाईज इज अ लॉस और अगर लॉस कैलकुलेट करोगे सीपी माइनस एसपी करोगे तो वहां पर लॉस अगर वहां पर निगेटिव आता है प्रॉफिट क्या बात क्लियर है ठीक है सो दीज आर द बेसिक टेक्नोलॉजी अब इसके बाद में देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट वैल्यू डिवाइडेड प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड कैलट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड दैट इज ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड मल डिफाइड एंड सिमिलरली लॉस परसेंटेज विल बी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस Multiplied by 100. Okay. Since profit is SP minus CP, so this is also equal to SP minus CP. Selling price minus cost price divided by cost price into 100. Okay. Okay. For example, let us say in some question it is given that profit percentage is 18.75%. प्रॉफिट परसेंटेज इज एटीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट एंड वी नो डैट सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट होता है सिक्सटीन so? yani में जब हम वन एड करेंगे तो सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट बनेगा एटीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट क्या है थ्री टाइम्स है उसका दिस इज इक्वल टू थ्री बाई सिक्सटीन प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमारा थ्री बाई सिक्सटीन आ रहा है दैट एम्प्लाइज की अगर हमारा कॉस्ट क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट में कैलकुलेट करेंगे अनलेस अदरवाइज मैं ठीक है तो सिक्सटीन अगर हमारा सी है कॉस्ट प्राइस है तो थ्री विल प्रॉफिट

और सेवन हमारा कॉस्ट प्राइस है तो सीपी लॉस और दिस टाइम हमारा सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या, क्या होगा क्योंकि लॉस हुआ है so that is में तुम करोगे, तब सेलिंग प्राइस मिलेगा तो 7 -1, 6, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा सिक्स बाई सेवन विच इज लेस देन वन और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर लेस देन वन आ रहा है लॉस हुआ है ठीक है न्यूमरेटर में हमारा सेलिंग प्राइस है न्यू में कॉस्ट प्राइस है ठीक है क्लियर सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इफ दैट इज लेस देन वन दैट एम्प्लाइज लॉस है ग्रेटर देन है दैट प्रॉफिट है इक्वल टू वन है यानी कि ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है विद दिस बेसिक नॉलेज लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आई बिलीव की ये ये तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं समझ में आई होंगी सारी की सारी कोई कोई डाउट नहीं होगा अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ में कि कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है कहाँ पे हम किस अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन में चीजें इजियर होंगी आसान होंगी फर्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज नाइंटी फोर फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है नाइनटी टू वन वन फोर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इन एवरी क्वेश्चन वॉज द वीडियो ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ एंड देन वॉज द सोलूशन

करोगे थर्टी आएगा यहाँ पे आएगा एट टू से भी जाएगा दिस यानी अगर हमारा है तो सेलिंग प्राइस नाइनटीन रुपीज होगा कितना प्रॉफिट हो जाएगा फोर का प्रॉफिट होगा फोर रुपीज का प्रॉफिट होगा प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा पर टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड और बेसिकली है दिस इज फोर बाई फिफ्टीन इंटू हंड्रेड फोर हंड्रेड बाई फिफ्टीन फाइव से डिवाइड करोगे एटी बाई थ्री हो जाएगा ठीक है थ्री टू जर सिक्स फिर बच्चा ट्वेंटी थ्री सिक्स एटीन ट्वेंटी आंसर फॉर फोर बाई फिफ्टीन बट इस तरह से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे कभी भी अगर जरूरत पड़ेगा फोर आई फिफ्टीन को क्या लिख सकते हैं स्टेट अवे डायरेक्टली परसेंटेज में कैलकुलेशन कर सकते हैं फोर आई फिफ्टी इज नथिंग बट थ्री बाई फिफ्टीन प्लस वन बाई फिफ्टीन और थ्री बाई फिफ्टीन होता है ट्वेंटी परसेंट वन बाई फिफ्टीन होता है 6 या 6 तो डायरेक्टली आ जाएगा क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सारी बातों में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर तुमने परसेंटेज वाले सेशन को नहीं चेकआउट किया है तो एक बार उनको भी प्रॉपरली रिवाइज कर लो एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लो या उनको देखा भी है फिर भी चीजें भूल रहे हो तो एक बार परसेंटेज वाले सेशन को रिवाइज कर लो क्योंकि परसेंटेज और रेशियो इनका ही हम बार बार इस्तेमाल करेंगे पूरी अरिथमेटिक में जो बच गई है वहां पर भी और बार बार इस्तेमाल करेंगे तो जब क्वेश्चन मुश्किल होंगे तो वहाँ पर तो और भी ज्यादा यूज आएगा एक बार उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना अगर प्रॉब्लम आ रहा है price, तो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सेवेंटी टू परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा कॉस्ट प्राइस है सेवेंटी टू परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ओके तो सी पी और एस पी का रेशियो क्या आएगा अगर हमारा सेलिंग प्राइस हंड्रेड है बेस वैल्यू यहाँ पे सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस हंड्रेड है तो कॉस्ट प्राइस इज सेवेंटी टू अभी यह सिंप्लीफाई हो सकता है

प्लस 1 बाई एटीन वन बाई एटीन इज 1 बाई नाइन इज 11.11 पॉइंट वन परसेंट वन बाई एटीन इज जस्ट हाफ फाइव तो दोनों को सम कर दोगे दिस विल बी 38.89 एट पॉइंट एट नाइन परसेंट टू बी प्रसाइज बिकॉज अल्टीमेटली 33.33 थ्री पॉइंट क्या होता है दिस इज 33.3333 थ्री पॉइंट थ्री थ्री एंड सो ऑन परसेंट और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 5.555 पॉइंट फाइव फाइव एंड सो ऑन ठीक है सो so, ऐड करने पे दिस विल बिकम थर्टी एट ट इज थर्टी एट पॉइंट एट नाइन परसेंट विल भी मोर एक्यूरेट दें थर्टी एट पॉइंट एट एट परसेंट एनी वे दोनों लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑप्शन तो तो हमें गिवन होगा ऐसे क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन अमन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ एटीट परसेंट बाई सेलिंग चेयर्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस अब इस क्वेश्चन में क्या करें हमें ऑलरेडी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आता ठीक है सो so, अगर कभी सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा सो इन दैट केस वो बात लीशन होगा क्वेश्चन में या फिर अगर प्रॉफिट परसेंटेजरेडी कैलकुलेट किया होगा अदरवाइज इन जनरल हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे हमारा cost price है, टू विल बी प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इलेवन है तो प्रॉफिट होगा टू तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा थर्टीन और क्वेश्चन पूछा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करो प्रॉफिट को तो सेलिंग प्राइस थर्टीन है थर्टीन पे टू यानी कि टू बाई थर्टीन विल भी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एस बी ऑन सेलिंग प्राइस टू बाई थर्टीन और वन बाई थर्टीन होता है सेवन पॉइंट सेवन परसेंट सेवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट टू बी वेरी प्रोसाइज अदरवाइज दिस इज सेवन पॉइंट सेवन परसेंट तो टू बाई थर्टीन आ जाएगा सेवन पॉइंट सेवन इंटू टू Which is 15.4 percent. So that will be our answer. 15.4% will be profit percentage when calculated on selling price. Okay. Okay. Next one. If the cost price of 760 oranges is equal to selling price of 532 oranges, so we have to find the profit or loss percentage. So 760 oranges, the cost price is equal to selling price of 532 oranges. Because we have to equation both simple. क्या कह रहा है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंजेस तो अगर एक का कॉस्ट प्राइस सीपी है तो सेवन सिक्सटी का हो जाएगा सेवन सिक्सटी टाइम्स टू फाइव थर्टी टू ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस ओके तो यहां से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा सीपी अपॉन एसपी करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू फाइव थर्टी टू अपॉन सेवन सिक्सटी फाइव थर्टी टू अपॉन सेवन सिक्सटी ये सिंप्लीफाई हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है फोर से तो कट ही रहा है सो so फोर से दिस विल बी वन नाइन्टी ये आ जाएगा वन थर्टी थ्री नाइनटीन से भी डायरेक्ट हो रहा है नाइनटीन से जा रहा है नाइन्टीन से सेवन टाइम्स जाएगा और ये टेन टाइम्स जाएगा ये सेवन बाई टेन रेशो आ रहा है किसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस अगर सेवन रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस है टेन रुपीज़ इतना डिफरेंस है डिफरेंस है प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है थ्री रुपीज़ का ऑन द कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बाई सी पी दैट इज़ थ्री बाई सेवन सीधे really सीधे like, कि अगर हमें लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेवन टू सेलिंग प्राइस ऑफ फाइव थर्टी टू ऑरेंजेस सी पी और एस पी का रेशो क्या हो जाएगा एक्जैक्टली exactly जो वैल्यूज है ना पीज फाइव थर्टी टू एस पी तो हमारा सी पी और एस पी का रेशोगा ठीक है जस्ट उल्टा आ जाएगा ठीक है सीपी ऑफ सेवन सिक्सटी इज इक्वल टू एस पी ऑफ फाइव थर्ट ऑर्ेंज तो सी पी ऑर एस पी का फाइव थर्ट इज टू सेवन सिक्स बाकी कहानी तो सिमिलर ही है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑपटेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ अलेवन आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑप्टेंड फ्रॉम सेल ऑफ अलेवन आर्टिकल्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एंड इफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज थ्री सेवेंटी फोर देन वीव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस एज वेल सेलिंग प्राइस एज वेल ठीक है सो प्रॉफिट ऑप्टेंड फ्रॉम सेल ऑफ इलेवन आर्टिकल्स और कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल्स तो थ्री आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इलेवन टाइम्स द प्रॉफिट ठीक है क्योंकि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस से डायरेक्टली हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल चुके निकाल सकते हैं तो हम प्रॉफिट को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे कि हम प्रॉफिट को मैंशन करें प्रॉफिट इज एस पी माइनस सी पी

बाई इलेवन इज नाइन पॉइंट जीरो नाइन थ्री बाई इलेवन आ जाएगा हमारा ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन परसेंटेज ठीक है दैट विल बी ओवर प्रॉफिट परसेंटेज बट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस अगर रुपीज थ्री सेवेंटी फोर है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा तो कॉस्ट प्राइस यानी इलेवन यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज थ्री सेवेंटी फोर इलेवन से काटेंगे तो क्या बचेगा इलेवन थ्री थर्टी थ्री थर्टी फोर यानी कि वन यूनिट इज इक्वल टू थर्टी फोर अगर वन यूनिट थर्टी फोर है दैट एम्प्लाइज की फोर्टी यूनिट क्या हो जाएगा फोर्टीन इंटू थर्टी फोर हो जाएगा दैट इज थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी प्लस वन थर्टी सिक्स यानी कि फोर सेवेंटी सिक्स रुपीज दिस विल बी अवर सेलिंग प्राइस दिस विल बी सेलिंग प्राइस या ऐसे भी सोच सकते थे कि कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी हमारा थ्री सेवेंटी फोर है और हमें थ्री यूनिट्स को ऐड करना है और वन यूनिट थर्टी फोर है तो तुम प्रॉफिट ऐड कर दो इसमें स्टेट अवे प्रॉफिट कितना होगा थ्री थ्री इंटू थर्टी फोर विच इज इकॉर्डू वन जीरो टू

नहीं हम कंपेयर कर पाएंगे एग्जैक्टली exactly. ठीक है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ओके okay. तो so, क्या लिख सकते हैं इसको दिस कैन बी रिटर्न परसेंट प्लस एट पॉइंट फिफ्टीन प्लस एट पॉइंटीन परसेंट होता है हमारा थ्री बाई ट्वेंटी प्लस एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट हो जाएगा वन बाई ट्वेल्व एल्सियम ले लोगे बिकॉज अभी ट्वेंटी और ट्वेल्व एल्सियम आ जाएगा सिक्सटी सिक्सटी आ जाएगा तो थ्री बाई ट्वेंटी हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटी प्लस फाइव बाई सिक्सटी तो नाइन प्लस फाइव फोर्टीन बाई सिक्सटी आ गया विच इज नथिंग बट सेवन बाई थर्टी तो दिस वैल्यू इज सेवन बाई थर्टी यानी कि थर्टी हमारा क्योंकि दिस इज अ लॉस लॉस है तो थर्टी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो सेवन इज लॉस का लॉस होगा थर्टी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है इन दैट केस अच्छा इसी चीज को ऐसे भी देख सकते थे कि तुम देखते ट्वेंटी परसेंट प्लस थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है तो तुम ये भी सोच सकते थे सबसे वैल्यू सेम ही आएगा फ्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज तुम सही लॉजिक लगा रहे हो यानी कि सही आ, बाइफर्केशन कर रहे हो या उसका फ्रैक्शन वैल्यू सही लिख रहा हो ट्वेंटी परसेंट बी वन बाई फाइव और थ्री पॉइंट थ्रीट इज वन बाई थर्टी तो दिस इज सिक्स बाई थर्टी प्लस वन बाई थर्टी यानी कि सेवन बाई थर्टी आ गया डेटा में ठीक है सो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा थर्टी लॉस हो रहा है सेवन का तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज सेलिंग प्राइस तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा ट्वेंटी थ्री यूनिट्स और ट्वेंटी थ्री यूनिट्स की वैल्यू गिवन है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछा है और ट्वेंटी थ्री यूनिट्स की वैल्यू कितना है सेवेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी तो दिस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री से इसको करते हैं डिवाइड तो ट्वेंटी थ्री थ्री हजार सिक्सटी नाइन अच्छा फिर वन एलेवन हो गया जीरो आएगा और वन वन फाइव यानी कि फाइव टाइम्स जाएगा और फिर लास्ट में जीरो थ्री जीरो फाइव जीरो विल बी वैल्यू ऑफ वन यूनिट तो थर्टी यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगा थर्टी इंटू थ्री जीरो फाइव जीरो लास्ट में दो जीरो तो वैसे ही आ रहे हैं थ्री इंटू थ्री जीरो फाइव आ जाएगा नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टीन तो नाइन्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज विल बी आवर कॉस्ट प्राइस विल बी आवर कास्ट प्राइस ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मैन बाइज ट्वेंटी फोर पेन्स एट रुपीज टू एट एट हाउ मेनी पेन्स कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज वन फिफ्टी सिक्स इफ ई अर्न अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट ऑन ईच पेन इफ ई अर्न अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट ऑन ईच पेन अगर हर एक पेन में थर्टी परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है विच एम्प्लाइज थर्टी परसेंट इज थ्री बाई टेन इफ टेन इज कॉस्ट इज प्रॉफिट और सी पी हमारा टेन है प्रॉफिट थ्री का है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा थर्टीन यूनिट्स थर्टीन यूनिट्स हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस के लिए और हैं तो सीपी क्या आ जाएगा सीपी विल बी इक्वल टू टू एट बाई ट्वेंटी फोर एक पेन का आ जाएगा ट्वेंटी फोर से जाएगा टू टाइम्स फिर एक सेकेंड ट्वेंटी फोर से जाएगा वन टाइम्स और फिर जाएगा टू टाइम्स ट्वेल्व रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा 12 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस आएगा और क्वेश्चन पूछा हाउ मनी पेन्स कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज़ वन फिफ्टी सिक्स यानी कि सेलिंग प्राइस एक पेन का निकालना पड़ेगा एक पेन को हम कितने अमाउंट पे सेल कर रहे हैं और फिर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पेन्स मिल जाएगा ट्वेल्ल रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है एक पेन का ठीक है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा सेलिंग प्राइस विल भी ट्वेल्व रुपीज़ इंटू और टेन और थर्टीन यानी रेशियो क्या है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो वन पॉइंट थ्री का थर्टीन बाई टेन का विच इज वन पॉइंट थ्री काई कर दो वन पॉइंट थ्री से ट्वेल्व इंटू थर्टीन आ जाएगा वन फोर्टी फोर प्लस ट्वेल्व वन फिफ्टी सिक्स फिफ्टीन पॉइंट सिक्स प्रोसेस हम एक्सैक्टली exactly एक लाइन में भी कर सकते थे कि नंबर ऑफ पेन्स क्या आएगा ठीक है टोटल 156 फिफ्टी सिक्स है पेंस जो कि हम परचेज रुपीज में परचेज कर रहे हैं पेंस एक पेन का सेलिंग प्राइस निकाल लें और उससे डिवाइड कर दें तो एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें ठीक है या फिर एक पेन के सेलिंग प्राइस में एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा अपना ठीक? एक पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा सबसे पहले एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकालें कॉस्ट प्राइस आ जाएगा टू एटी एट वाई ट्वेंटी फोर दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन नाउ सिंस प्रॉफिट हमारा थर्टी परसेंट का हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने वन पॉइंट थ्री से दिस विल बी अवर सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन ठीक है दिस विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन ओके और से एन पेन परचेज किए तो मेरे एंड दिट मस्ट बीवल टू तो 156 फिफ्टी सिक्स टू वन फिफ्टी सिक्स आप सारी काटापिटी कर लोगों ट्वेल्व टाइम्स आएगा बाकी समझते टेन आ जाएगा तो एक लाइन पर डायरेक्टली भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इतना सब लिखने की कोई जरूरत है नहीं ठीक है ओके नेक्स्ट वन प्रोफिट अर्न बाय सेलिंग एंड आर्टिकल फॉर रुपीज एट थर्टी टू इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड विन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज Profit अर्न by सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ एट थर्टी टू इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड वन द आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज फोर फोर्टी एट वाट वुड द सेलिंग प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट अब लैंग्वेज को समझते हैं लैंग्वेज हमसे एक तरह से ये कह रहे हैं लेटेस्ट से अगर हंड्रेड रूपीज़ का एक आर्टिकल होता ठीक है हंड्रेड रुपीज़ का एक आर्टिकल होता और अगर हम उसको एटी रुपीज में सेल कर रहे हैं ठीक है CP है कॉस्ट प्राइस है हंड्रेड रुपीज़ अगर हम उसको एटी रुपीज़ में सेल कर रहे हैं दिस इज अवर सेलिंग प्राइस एटी रुपीज़ में सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा लॉस हो रहा है कितने का ट्वेंटी रुपीज़ का लॉस हो रहा है लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा ट्वेंटी अपॉन कॉस्ट प्राइस नहीं ट्वेंटी बाई हंड्रेड विच इज ट्वेंटी परसेंट ऑनली हम ऐसा भी कर सकते थे सेलिंग प्राइस हमारा वन ट्वेंटी होता वन ट्वेंटी रुपीज होता इस केस में क्या है हमारा प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी रुपीज का इस केस में प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी रुपीज का प्रॉफिट तो परसेंटेज क्या होगा दैट विल बी ट्वेंटी बाई हंड्रेड कि क्वेंटी परसेंट बेसिकली फर्स्ट वाले सिनेरियो में फर्स्ट सेलिंग प्राइस पे हमारा ट्वेंटी परसेंट का लॉस हो रहा है बट सेकंड वाले सेलिंग प्राइस पे हमारा ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और जो कॉस्ट प्राइस है हमारा एक्जैक्टली इन द मिडिल मिडिलई करता है बिकॉज हम जो भी परसेंटेज है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस लॉस परसेंटेज इन जनरल हमेशा क्या कब कैलकुलेट करें कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे तो जब हमारा सेम प्रॉफिट हो रहा होगा सेम लॉस हो रहा होगा चाहे वो अमाउंट में हो चाहे परसेंटेज में हो इन बोथ दीज केसेज अगर हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है तो जो कॉस्ट प्राइस है विल बी एक्जैक्टली इन द मिडिल कॉस्ट प्राइस हमारा एक्जैक्टली इन द मिडिल होगा क्या ही बात क्लियर होती है ठीक है ओके सो इन जनरल अगर हमें दिया है कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है एक वैल्यू दिया है हमें एक्स और दूसरा वैल्यू दिया है वाई बट एक्स वाले केस में हमें लेटेस्ट से ए परसेंट का लॉस हो रहा है और वाई वाले केस में हमें ए परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस विल बी एग्जैक्टली द मिडिल वैल्यू एवरेज ऑफ दीज टू एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस्ट प्राइस हम एग्जैक्टली एवरेज निकाल के सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे ठीक है ओके चलो कैलकुलेट करते हैं इस, इस केस में तो so, हमें है फर्स्ट केस में रुपीज एट थर्टी टू पे सेल करता है जबकि उसके प्रॉफिट होता है जबकि उसे प्रॉफिट होता है सेकंड वाले केस में ही सेलिंग आर्टिकल एट रुपीज फोर फोर्टी एट वेन ही इनकर्स द सेम लॉस सेम लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस विल बी इन द मिडिल फर्स्ट केस में उसको लॉस हो रहा है रुपीज फोर फोर्टी एट पर अगर सेल कर रहा है तो एंड इफ हीलिंग एट रुपीज एट थर्टी देन द इज द प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा फोर फोर्टी एट प्लस एट थर्टी टू एंड दिस डिवाइडेड बाई टू दिस इज ट्वेल्व हंड्रेड एट्टी यानी कि सिक्स फोर्टी रुपीज विल बी कॉस्ट प्राइस दिस इज कॉस्ट प्राइस और क्वेश्चन पूछा वॉट डिज सेलिंग प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट टेन परसेंट का प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट को एड कर दोगे प्लस सिक्सटी फोर टेन परसेंट सिक्सटी फोर को एड कर दिया तो सेवन जीरो फोर रुपीज विल बी अवर सेलिंग प्राइस इन सच अ केस सेलिंग प्राइस विल भी सेवन जीरो फोर रुपीज और अ प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट ऑप्शन डी क्या ओके नेक्स्ट क्वेश्चन

ठीक है तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं उसके बाद में फिर आगे की लाइन को समझते हैं कि आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रूपीज दिस इन दिस गेन या फिर लॉस क्या होगा सीपी निकाल लेंगे तो ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगा गेन है ट्वेंटी परसेंट ज्यादा ट्वेंटी परसेंट यानी कि वन बाई फाइव ज्यादा है तो अगर हमारा लॉस फाइव यूनिट्स होगा तो गेन सिक्स यूनिट्स होना चाहिए अगर गेन ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है तो अगर लॉस हमारा फाइव यूनिट्स है तो गेन सिक्स यूनिट्स होगा ठीक है तो पहले वाले केस में लॉस कब है जब टू हंड्रेड सिक्सटीन पर सेल कर रहे हो सीपी हमें कैलकुलेट करना है

और सेलिंग प्राइस नंबर टू के बीच में डिफरेंस जो है दैट तो uh, तो विल बी इलेवन यूनिट्स इलेवन यूनिट्स वैल्यू आ जाएगी कितना आएगा दिस इज थर्टी पॉइंट एट जीरो थर्टी पॉइंट एट जीरो तो वन यूनिट आ जाएगा हमारा इलेवन टू जो ट्वेंटी टू अच्छा एट और एटी एट हो जाएगा तो टू पॉइंट एट रुपीज़ विल बी वन यूनिट का वैल्यू वन यूनिट का वैल्यू आ जाएगा टू पॉइंट एट रुपीज़ तो अब कॉस्ट प्राइस में हमने फाइव यूनिट सब किया तब मिला है टू हंड्रेड सिक्सटीन तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस यहाँ से मिल जाएगा हमको कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो पहला वाला है टू हंड्रेड सिक्सटीन प्लस फाइव यूनिट्स यही तो होगा और वन यूनिट है तो, तो प्लस और फिर आर्टिकल को हम सेल कर रहे हैं फॉर रुपीज टू हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट एट जीरो तो गेन या फिर लॉस क्या होगा टू ट्वेंटी पॉइंट एट जीरो पर सेल करो यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस ज टू ट्वेंटी पॉइंट एट जीरो टू जीरो रुपीज कम है एंड दिस इज लॉस तो लॉस बाई कॉस्ट प्राइस रेशियो क्या है टू थर्टी जैसे मल हटाएंगे दो जीरो ऐड हो जाएंगे फिर एक जीरो से एक जीरो गया ठीक है मलिप्राइट बाय हंड्रेड कर दोगे दिस इज नथिंग बट नाइन बाई नाइनटी टू बाई ट्वेंटी थ्री विच इज फोर परसेंट परसेंट का लॉस आ रहा है ऑप्शन आंसर होगा ठीक है से भी दिख रहा है दिस इज टू थर्टी का टू पॉइंट थ्री और फोर परसेंट होगा नाइन पॉइंट टू डेफिनेटली फोर परसेंट का लॉस होगा ओके ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट एक्स परसेंट लॉस आर्टिकल नर्टिकलॉस सोल्ड एट एक्स परसेंट लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज टू एंड टू बाई थ्री टाइम्स ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस दिस इज नॉट ट्वेंटी टू बाई थ्री बट टू एंड टू बाई थ्री ठीक है तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज टू एंड टू बाई थ्री टाइम्स ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस द सेल वुड हैव रिजल्टेड इन एक्स परसेंट प्रॉफिट यानी पहले वाले केस में एक्स परसेंट का लॉस हो रहा है दूसरे वाले केस में एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है दैट विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दीस टू दोनों के एग्जैक्टली exactly बीच में होगा और क्योंकि यहां पे वैल्यूज गिवन नहीं है तो रेशियो से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ठीक है क्वेश्चन ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अगर होता क्या होता अगर 2 एंड 2/3 टाइम्स होता एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 2 एंड 2/3 का मतलब क्या हुआ 2 3 6 2 8/3 टाइम्स होता ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल हमारा और सेलिंग प्राइस जो कि दूसरा कंसिडर किया है ठीक है तो दो हमारे सेलिंग प्राइसेस का है एक वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू कितना होगा जो बेस वैल्यू है इसके कंपेरिजन में हम बता रहे हैं तो अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल हमारा थ्री यूनिट्स है तो दैट डिफरेंट सेलिंग प्राइस एट बाई थ्री टाइम्स यानी कि एट यूनिट्स हो जाएगा और थ्री यूनिट्स वाले केस में हमारा जितना लॉस हो रहा है एक्स पर्सन का लॉस हो रहा है उतना ही हमारा सेकेंड वाले केस में प्रॉफिट हो रहा है एक्स पर्सन का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस हमारा दोनों के एग्जैक्टली exactly मिडिल में होगा यानी कि कॉस्ट प्राइस विल बी थ्री प्लस एट बाई टू इलेवन बाई टू या फाइव पॉइंट फाइव यूनिट्स ठीक है तो अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल हमारा थ्री रुपीज है लेडर्स से एंड सेलिंग प्राइस है एट रुपीज़ जो नया वाला है और फाइव पॉइंट फाइव रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है वन रुपीज़ वन से ही मल्टीप्लाई कर दिया कि वन यूट वन रुपीजेट में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लॉस क्या होगा एक्स की वैल्यू में निकालनी है तो चाहे लॉस में निकाल लो चाहे प्रॉफिट में निकाल लो ठीक है सो अगर लॉस में निकालते हो

So, Answer will be 45.45 percent in this case. Clear? Okay. Next one. On selling an article for rupees 216, a seller loses one seventh of his cost price. If he sells an article for rupees 216, the seller loses one one seventh of his cost price. So find his profit or loss percentage if the article is sold at rupees 241.92. So seller is losing one seventh of the cost price.

दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस और नया सेलिंग प्राइस कितना है रुपीज टू फोर्टी तो टू न्यू सेलिंग प्राइस एस पी डैश इज टू फोर्टी टू क्या डिफरेंस तो कोड करके कर दो टू फोर्टी टू और बाकी डिफरेंस टेन प्लस एट पैसा डिफरेंस आ रहा है ये होगा, का. और टू फिफ्टी टू रुपीज पे लॉस हो रहा है तो वन परसेंट कितना है ट इज टू पॉइंट फाइव टू रुपीज दिस इज फोर परसेंट फोर टाइम्स आएगा फोर परसेंट कितना वन जीरो जीरो एट और डिसमेंट जीरो का लॉस हो रहा है इफेक्टिवलीस ऑफ फोर परसेंट दैटर फोर परसेंट लॉस विल भी देस क्या ठीक है नेक्स्ट शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज थ्री थर्टी सिक्स एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट फाइंड इज सेलिंग प्राइस इफ यू टू अर्न प्रॉफिट ऑफ फिफ्टी बाई थ्री परसेंट अगर थ्री थर्टी सिक्स में सेल करता है तो इनकर करता है एक लॉस ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट फाइंड इज सेलिंग प्राइस इफ यूस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ फिफ्टी बाई थ्री परसेंट पहले वाले केस में लॉस हो रहा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का यानी कि वन बाई एट का लॉस हो रहा है तो अगर एट हमारा सी पी है तो लॉस है वन का सी पी अगर एट यूनिट्स है लॉस है वन का और सी पी माइनस लॉस दैट इज अगोर्ड सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा सेवन का और सेवन यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है दट इज रुपीज थ्री थर्टी सिक्स अगर सेवन यूनिट से हमारा थ्री थर्टी सिक्स सेवन से कैंसिल आउट कर सेवन फोर ज़ार ट्वेंटी एट और फिर बचेगा फिफ्टी सिक्स तो सेवन एट ज़ार फिफ्टी सिक्स यानी वन यूनिट इज कलो फोर्टी एट वन यूट आ गया फिर फोर्टी एट तो फिर सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ एट इन फोर्टी एट ठीक दैट विल बी ट्वेंटी प्लस सिक्सटी फोर थ्री एटी फोर रुपीज़ तो कॉस्ट प्राइस है थ्री एटी फोर रुपीज़ का और सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करना है इफ यू वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ फिफ्टी बाई थ्री परसेंट फिफ्टी बाई थ्री परसेंट कितना होगा ज वन बाई सिक्स सिक्सटीन सिक्सटी परसेंट सिक्स का प्रॉफिट चाहिए उसको वन बाई सिक्स का प्रॉफिट वैल्यू क्या होगा इसका प्रॉफिट कितना आएगा वन बाई सिक्स आएगा 1 by 6 कितना हो जाएगा? सिक्सटी फोर यानी कि सिक्सटी फोर रुपीज का प्रॉफिट चाहिए उसको तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू थ्री एटी फोर प्लसटी फोर दैट इज फोर फोर्टी एट रुपीज तो आंसर विल बी फोर फोर्टी एट रुपीज दैट मस्ट बी सेलिंग प्राइस इफ यू वॉन्ट्स टू अर्न अफिट ऑफ फिफ्टी बाई थ्री परसेंट बट यहाँ पे हमें क्या है दो स्टेप करने पड़ गए दो स्टेप करने पड़ गए क्या हम डायरेक्टली सेलिंग, सेलिंग प्राइस से बिल्कुल निकाल सकते हैं है अगर हमें उन दोनों का रेशो पता चल जाए तो अगर दोनों का रेशो पता चल जाए तो हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे तो देखो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा पहले वाले केस में हमारा जो लॉस परसेंट आ रहा है दट इज वन बाई एट यहाँ पे एट क्या है एट इज कॉस्ट प्राइस हमने माना है सेकेंड वाले केस में वन बाई सिक्स आ रहा है और सिक्स हमें क्या माना है कॉस्ट प्राइस माना है तो एट और सिक्स दोनों को मेरीफाई कर दो हमने एज्यूम कर लिया

अब कॉस्ट प्राइस सेकंड वाले केस में हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट कितने का हो रहा है वन बाई सिक्स का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा वन बाई सिक्स यानी कि एट यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा नया वाला आ जाएगा सेलिंग प्राइस एस पी डोर्टी एट प्लस एट यानी कि फिफ्टी सिक्स यूनिट आ जाएगा पहला वाला सेलिंग प्राइस फोर्टी टू सेकंड वाला फिफ्टी सिक्स और फोर्टी टू की वैल्यू हमें नोन है दैट इज इक्वल टू थ्री थर्टी सिक्स रूपीज एसपी डैश न्यू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू फिफ्टी सिक्स बाई फोर्टी टू ये रेशियो आ गया दोनों सेलिंग प्राइस का एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय थ्री थर्टी सिक्स यानी कि वन यूनिट की हमने वैल्यू निकाल ली वन यूनिट की वैल्यू कितना आएगा थ्री थर्टी सिक्स बाई फोर्टी टू यू आएगा वन यूनिट का और फिर टोटल फिफ्टी सिक्स यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है तो फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री थर्ट सिक्स बाई फोर्टी टू ऐसे समझ लो या फिर फिफ्टी सिक्स बाई फोर्टी टू थ्री थर्टी सिक्स जैसे भी तुम्हें समझ में आए दोनों तरीके एक ही बात कहते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से और इजली फोटी से चला जाएगा फोर्टीन से थ्री टाइम्स जाएगा ये जाएगा फोर टाइम्स थ्री से जाएगा वन वन टू वन वन टू इंटू फोर इज फोर फोर्टी एट रुपीज तो स्ट्रेट अवे हमारा फट से आंसर आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस निकाल ली क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो जरूरत ही कोई नहीं है कॉस्ट प्राइस क्या आता है कोई मतलब नहीं है हमको तो ऐसा सच हम प्रेफर करेंगे इस मेथड को बिकॉज कॉस्ट प्राइस हमें निकालने, जो चीजें निकालनी नहीं है उनको निकालने में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय डायरेक्टली जहां से जो निकालना है उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लो ठीक है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन इनकर्स इनका लॉस इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे लॉस इनकर हो रहा है का बट बट दैट इज नॉट ऑन ऑन कॉस्ट प्राइस प्राइस सेलिंग

लॉस है थ्री का लॉस इज थ्री सेलिंग प्राइस इज ट्वेंटी तो हमारा कॉस्ट प्राइस हाइयर होगा दोनों का एडिशन करके आएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री आएगा कॉस्ट प्राइस ठीक है ट्वेंटी थ्री आएगा कॉस्ट प्राइस ट्वेंटी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड वन यूनिट आ जाएगा ट्वेंटी से काटोगे वन सिक्सटी टाइम आएगा वन यूनिट आ जाएगा वन सिक्सटी फिर से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ट्वेंटी थ्री इंटू वन सिक्सटी ओके ठीक है फिर सेकंड स्टेप हमें क्या करना है वी नीड टू गेन फिफ्टीन परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस फिफ्टीन परसेंट गेन भी करना है कॉस्ट प्राइस पे फिफ्टीन परसेंट कि थ्री बाई ट्वेंटी का गेन करना है सेलिंग तो प्राइस आ जाएगा कितना ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी होगा बिकॉज ट्वेंटी हमारा कॉस्ट प्राइस है थ्री प्रॉफिट है ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी ऑफ द कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ रहा है हमारा ट्वेंटी थ्री इंटू वन ट्वेंटी से काटोगे एट टाइम्स जाएगा ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी थ्री का होल स्क्वायर विच इज फाइव ट्वेंटी नाइन इंटू एट फाइव हंड्रेड इंटू एट फोर थाउजेंड प्लस वन सिक्सटी प्लस सेवेंटी टू तो फोर थाउजेंड वन सिक्सटी और प्लस सेवेंटी टू फोर टू थ्री टू ओके ठीक है एक ही स्टेप में करते तो सबसे पहले गिवेन थ्री बाई ट्वेंटी का हमारा लॉस हो रहा है जबकि हमारा सेलिंग प्राइस पे हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि अगर ट्वेंटी हमारा सेलिंग प्राइस है इफ ट्वेंटी इज अवर सेलिंग प्राइस थ्री इज अवर लॉस तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा ट्वेंटी थ्री टाइम होगा ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी होगा सेलिंग प्राइस का तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा पहले स्टेप ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी इंटू थ्री टू डबल जीरो दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस और फिर हमें फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट प्राइस पे भी विच इज थ्री बाई ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी इसका भी करेंगे तो बाकी चीजें कैलकुलेट हो जाएगा दिस विल बी अवर इफेक्टिव सेलिंग प्राइस

चलो इस सेशन में इतना ही रखते हैं बाय टेक केयर अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करना अगर तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना साथ में बेलाइकॉन भी प्रेस कर देना और यू कैन ऑलसो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मेथलॉजिकल की प्लानिंग